और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर जिसका नाम है, टाइटल है राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। और इससे पहले हम लोगों ने टीजर भी देखा था। और अगर बात करें इस मूवी की डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है प्रभु देवा ने। और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो सुहेल खान, अतुल अग्निहोत्री और सलमान खान और निखिल। और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो बहुत लंबी एक स्टार कास्ट है जिसमें सलमान खान है, दीक्षा पटानी है, रणदीप हुडा है, जैकी श्रॉफ और इसके बाद सुधांशु हैं, मेघा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है। गुड मॉर्निंग मुंबई। शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। आई लव इट। ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर। राधे 97 एनकाउंटर्स, उसका काम करने का अपना तरीका है। अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है। अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता। वैसे आपका नाम क्या है? दिया। किसने रखा? मेरे भैया ने। जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा। नादिया। तो मेरी बहन का पीछा कर रहा है? बिल्कुल नहीं सर। इनकाउंटर में मार दूंगा। पुलिस की नौकरी है, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। मुजरिम हूं, जान से मारना पड़ेगा। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आई विल क्लीन दिस सिटी। राधे जाने के लिए नहीं, भेजने के लिए आया है। और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक। बात करें अगर आज इस ट्रेलर की तो ये मूवी जो है मुझे सलमान खान सर की जो पुरानी दो मूवीज हैं उनका मुझे जो है मिक्सचर लगा है। बस ये लगा, ये फील आया कि जिसमें वो एज ए विलन पहले दिखाए गए और जो हीरो दिखाया गया उसे इसमें विलन बना दिया गया। Well, मैं ये कहूंगी कि मुझे सीरियसली कुछ खास नया नहीं मिला मूवी को, मतलब ट्रेलर जो हम लोगों ने देखा उसमें। उसकी रीजन एक तो ये है कि लाइक जैसे ही हम लोगों ने ट्रेलर देखा है तो साथ में ये फील आना शुरू हुई है कि या तो ये किक का एक मतलब रीमेक है या मिक्सचर है, लेकिन बाद में वांटेड मूवी का भी हम मतलब मिक्सचर बिल्कुल आया कि उसका भी एक मिक्सचर। लेकिन एक्शन काफी मजे का था। अदरवाइज अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं या अगर मैं बात करूं कि मुझे बड़ा एक स्क्रिप्ट जो है मजे का लगा तो इतना नहीं। हालांकि ये मूवी रीमेक है साउथ कोरियन मूवी की जिसका नाम है द आउटलॉज और ये 2017 में आई थी। तो आई डोंट नो कि वो मूवी किस तरह की जो साउथ कोरिया का वैसे जो अभी अगर इसमें बात करें तो इसमें VFX इफेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको पता चल रहा है कि भाई ये इफेक्ट लगा हुआ, ये रियल नहीं लग रहा। और पता क्या, कुछ
सॉन्ग्स भी ऐसे थे वो ऐसे लग रहा था दोबारा से वही वाले सेट इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी कि जैसे किक मूवी के था मेनू यार ना मिले थे मर जावां, वो ऐसा लग रहा था कि दोबारा से वैसा ही एक सेट लगाया हुआ है। तो काफी सारी चीजें ऐसी थी जो ना रिपीट हो रही थी जो मुझे लग रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्शन की सिर्फ, तो मुझे सिर्फ एक्शन अच्छा लगा क्योंकि एक्शन काफी मजे का था और मुझे लगता है कि मूवी में शायद सिर्फ अगर देखने वाला हुआ तो सिर्फ एक्शन देखने वाला। वैसे अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड की जो है ये वाकई पिछले कुछ अरसे से खासियत है कि एक्शन जो है बहुत ज्यादा जो है उन्होंने इम्प्रूव किया है। एक्शन सीन जो है वो वाकई लगता है कि एक्शन सीन है। पहले हकीकत है हम पहले वाली मूवीज देखती है ना इनके फेसबुक में यूज कर रहा हूँ तो उसमें भी क्लिप आ जाए टिश्यू टिश्यू आवाजें आती हैं और वो रियल बिल्कुल ही अब लगता। तो लॉलीवुड के एक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो साइंस से भी बाहर है ना। हम पहले भी नहीं बोलते थे, हम अभी भी नहीं बोलते। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी उसमें जो है अप्लाई नहीं होती। लेकिन ये ईद पर मूवी आ रही है तो सलमान खान सर की हमेशा मूवी ज्यादातर जो है वो ईद पर ही रिलीज होती है। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम लोग इतनी अच्छे अच्छे मूवी के ट्रेलर्स देख चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट देख चुके हैं कि हम लोगों को करते हैं। अभी भी कई मूवीज ऐसी हैं जैसे अगर हम बात करें जो कंगना रनौत की अभी आई थी तिलाई भी, उसका ट्रेलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था। तो अभी बेसिकली ट्रेलर हमें जो नहीं अच्छे लगते उसके कारण एक ये भी है वेब सीरीज। मैं ये बात नहीं मानती, मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन वेब सीरीज का ट्रेलर जो होता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि वो आपको देखते साथ में वेब सीरीज यानी कि एक पूरी वो उसका नहीं बात कर रहा कि पूरा देखे तो हमें अच्छा लगता है, मैं खाली ट्रेलर की बात कर रहा हूँ कि वो जब आप देखते हैं ना तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नजर आता है। जैसे हमने आर्या की देखी थी, फिर उसके बाद हमने मिर्जापुर और भी बहुत सारी देखी है, तो आपको जो है ट्रेलर बहुत ज्यादा लुभाता है कि आप ये देखें। अब मैं जो है अभी मैंने कई सारी वेब सीरीज देखी है इस लॉकडाउन में, कई सारी मूवीज भी जो आई जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आई वो भी मैंने देखी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने फिर भी मूवीज को साइड पर कर दिया, मैंने वेब सीरीज को ज्यादा प्रेफरेंस दी। वेल मैं यही बात कहूंगी कि वाकई में मौजूद की बात से को मैं डिनाई नहीं करती कि वेब सीरीज का जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, स्क्रिप्ट भी बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन मूवीज भी मुझे लगता है कि वो अच्छी होती है जिनका स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। यानी कि जैसे अगर हम लोग थलाइवी की जैसे मौजूद में एग्जाम्पल गंगूबाई की अगर हम लोग बात करें, ये ऐसी हम लोगों ने ट्रेलर देखे है कि आप देखते साथ ही आपका मन करता है नहीं हम लोगों को ये देखना है। एक्टिंग की अगर हम बात करें या फिर उसके स्क्रिप्ट की बात करें जो कि उस छोटे से टाइम पीरियड में हम लोगों को नजर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मौजूद चाहे मूवी हो चाहे वो कोई ड्रामा हो या फिर कोई भी यू नो एंटरटेनमेंट की कोई भी एक वेब सीरीज हो, उसमें स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायरेक्शन की किस तरीके से मूवी हर टाइम आपको मिर्च मसाला वाला मुझे लगता है कि चीजें अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिलहाल अभी जो है ये दोनों प्लेटफॉर्म जो है एक सिनेमा इंडस्ट्री दूसरी ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये दोनों इतने फेमस है ना कि आप यहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो नो डाउट आपकी वाली बात बिल्कुल सही है, बेशक वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या बेशक वो मूवी हो सिनेमा हो, स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो आपको वो कहते हैं आकर्षित करता है अपनी तरफ के भाई मुझे देखो। और एक चीज जिसकी मैंने बड़ी हैरानगी हुई और वो था सलमान खान सर का ऑन स्क्रीन किस, मतलब मैंने कभी भी नहीं इनको मूवीज में देखा और वैसे पता नहीं क्यों कर दिया मुझे समझ नहीं आया, लेकिन है स्क्रिप्ट की डिमांड होगी ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ना स्क्रिप्ट की डिमांड ना पुराने टाइम में भी हुआ करती थी जब फूल ऐसे मिल जाया करते थे और सब लोग समझ जाया करते थे, तो चीजें तो उनसे वो बहुत ज्यादा बदल तो गई हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन ये है कि अगर हम अभी भी चाहें तो बहुत सारी चीजें हम कैमरा के थ्रू कैमरा के यूज के थ्रू समझा देते हैं कि क्या है। वैसे मैं अगर पुरानी मूवीज की बात करूं मुझे अभी तक वो बहुत अच्छी लगती है, फैमिली मूवी अब भी बनती है लेकिन पुरानी वाली ज्यादा फैमिलीज थी। बिल्कुल हमने सारे कैरेक्टर्स की बात की लेकिन हमने जो है एक कैरेक्टर को अभी तक डिस्कस नहीं किया, उनका नाम है रणदीप हुड्डा। और मैं कहूंगी कि जिस तरीके से उनकी लुक और जो उनका गेटअप है जो एक्टिंग का स्टाइल है मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं अगर बात करूं तो उनकी हमने पहले ही मूवी जो देखी इससे पहले किक देखी थी और उसमें जो उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया और इस तरह उन्होंने वो भी रोल किया वो भी बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन अब अगर एज ए गैंगस्टर उन्हें देखा जाए तो उनका जो गेटअप है जो स्टाइल उन्होंने कैरी किया है वो वाकई गैंगस्टर्स वाला है और उनका उनके जो है ना रोल में एक
ईगो नजर आता है गैंगस्टर्स वाला। ईगो भी उनके फेस एक्सप्रेशन और उसके साथ मॉडर्न जो उनकी एक्टिंग का स्टाइल है बहुत नेचुरल लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी हम लोग जैकलिन की भी बात करेंगे, वो भी हमें नंबर नंबर में हमें नजर आई, आइटम नंबर में, इसलिए नंबर से मेरे मुझे नंबर गए, वो भी हमें आइटम नंबर में नजर आएंगी और वीडियो में भी हम लोग को नजर आए। वेल ओवरऑल काफी एक मसाला मूवी लग रही है ये, तो अब देखेंगे तो पता चलेगा। बट आई होप कि ये मूवी रेस 3 की तरह ना हो, और क्योंकि उसको देखने के बाद तो मुझे बहुत ही सदमा हो गया था, पूरी फैमिली को लेकर गए थे और उसके बाद जो निकला और उसके बाद सबने इतनी बातें सुनाई, ये मूवी दिखाने के लिए हमें लेकर आई थी ये मूवी दिखाने के लिए। बट एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो और ये हमारा छोटा सा एनालिसिस था, और आप क्या सोचना जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, और अब हमें इजाजत हमारे वीडियो लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर, गुड बाय।